गुड इवनिंग, मेरा नाम शिवांगी पांडे है। मैं आई एम परस्यूइंग वेटनरी साइंस, दैट मीन्स इन सम 2.5 ईयर्स आई विल बी अ वेटनेरियन। और आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है वैक्सीन्स। इट इज़ द टॉपिक ऑफ द आवर। व्हाई? कॉज क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारी पूरा वर्ल्ड जिस डिसीज़ की वजह से परेशान है वो कोरोना है। और वो परेशान क्यों है? क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। बचपन से ये आपका वैक्सीनेशन हुआ होगा, जिसको आम भाषा में टीकाकरण कहते हैं, वो हुआ होगा, तो बहुत सारी डिसीज़ेस के अगेंस्ट हुआ होगा, जैसे कि पोलियो। तो अब आपके पास में उस चीज़ को लेकर एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। अब वो आपको कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में, लेकिन कोरोना के अगेंस्ट ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जैसे ही हम कोई वैक्सीन उस वायरस के अगेंस्ट बनाते हैं, वो वायरस म्यूटेशन शो कर देता है, मतलब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वायरस में चेंज हो जाता है। तो उस रीज़न की वजह से एट प्रेजेंट डेट अभी तक कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन, जिसको हम कह सकें कि एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उस वायरस के अगेंस्ट हमको दे सकती है, ऐसा अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो यही मेरे लेक्चर का मेन मोटिव है कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ वैक्सीन्स, हाउ वर वैक्सीन्स फॉर्म्ड इन क्लासिकल वे, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं, उनके वेरियस एग्जाम्पल्स, ब्रीफिंग वैक्सीन्स सिचुएशन इन करंट सिनेरियो और बाकी सब। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के लिए ब्रीफ करूँगी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका पूरा एक फ़्लो चार्ट कैसा है, वो कहाँ से आ रही है, वो किस कैटेगरी में फ़्लो करती है, वो सब पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपकी कंट्री है, आपको एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के टेररिस्ट और बाहर की जो भी फोर्सेस आपकी कंट्री के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए आपके पास क्या है? आर्मी है। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल पैथोजन से लड़ने के लिए क्या है? आपका इम्यून सिस्टम है। अब आप माइंड कीजिए, मैं बोल रही हूँ इम्यून सिस्टम है। बहुत छोटे से बच्चों को बताते हैं कि आपकी बॉडी में वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे छोटा, फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो मैंने बोला इम्यून सिस्टम, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम इतना हाईली एडवांस सिस्टम है कि वो हाईएस्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। सेल्स ने अपने आप को इतना एडवांस किया है विथ एवोल्यूशन कि अब वो फाइनली एक सिस्टम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ब्रीफ करूं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी होती है इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। अब ये इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपकी इनहेरेंट इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी आपकी पास में बाय बर्थ प्रेजेंट है। इनहेरेंट उसके लिए करेक्ट टर्म नहीं होगा, आई एम सॉरी। इनेट इम्यूनिटी, जो ऐसी इम्यूनिटी जो फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट है, वो इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि आपकी आँखों से निकल रहे टीयर्स, आपके नोज़ का म्यूकस, आपके माउथ में प्रेजेंट आपका सलाइवा, आपके स्टमक में प्रेजेंट आपका गैस्ट्रिक जूस HCL, ये सब क्या है? ये इम्यूनिटी आप इसके साथ जन्म लेते हो। जैसे ही आपके पैथोजेंस इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये इम्यूनिटी क्या कहलाती है? इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी टर्म जो है लिटरली ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपके पास में बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए आपने अपनी लाइफ में पैथोजन से आपका इंट्रैक्शन हुआ है, जम्स आपकी बॉडी में आए हैं और फिर आपने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई है अपनी बॉडी में विथ कोर्स ऑफ टाइम, वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी जो है उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको जो बताया, ये टीयर्स, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, ये सब इनेट इम्यूनिटी के किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? फिजिकल बैरियर्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर केमिकल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन ये टर्म्स के बारे में हमें जानना ही नहीं है अभी, हमारा टॉपिक जो है वो वैक्सीन्स है। लेकिन एक ब्रीफ हो गया कि इस तरीके से इनेट इम्यूनिटी की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वहाँ पर जाना नहीं है हमको, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से मतलब है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है वैक्सीन्स, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी और एक होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए पहले हमें समझना ज़रूरी है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिंस। ये होते क्या हैं, आपकी बॉडी में, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम एक आर्मी की तरह है, तो उसके बहुत सारे ग्रेड्स हैं, जैसे कि टी सेल्स एक टाइप का ग्रेड है, बी सेल्स एक टाइप का ग्रेड है। तो वैसे ही अब आप जो आपकी बी सेल्स हैं उनको आप बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ 5 मेन टाइप्स की होती हैं, जिनको मैं कैसे याद रखती हूँ, GMAD करके। तो जी से क्या है, IgG। IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिंस और G वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए यूज़ करते हैं। फिर GMAD तो M तो IgM एंटीबॉडी, AD तो A IgA एंटीबॉडी, D IgD एंटीबॉडी, E IgE एंटीबॉडी। इस तरीके से ये 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं आपकी एंटीबॉडीज़ के। अब ये एंटीबॉडीज़ करती क्या है, जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो वो उसके साथ में ऐसे एंटीबॉडी जो रहती है, ये पैथोजन है, ये इंट्रैक्ट करने के लिए ऊपर एक एंटीजन नाम का स्ट्रक्चर लेकर घूमता है। तो वो एंटीजन के साथ में आपकी ये एंटीबॉडी ऐसे इंट्रैक्ट करती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है और फिर ये पूरे पैथोजन को डीएक्टिवेट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर ये पैथोजन आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब हम आए लौट कर कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें आप अपनी बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको क्या हुआ कि किसी पर्सन को एक स्नेक ने काट लिया, तो अब उसकी बॉडी में वो पॉइज़न फैल रहा है, तो आपको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए उस पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए। तो आप पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करोगे, आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से जो आपने लैब में एंटीबॉडीज़ बना कर रखी हैं, वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करोगे, जिससे कि वो डायरेक्ट काम करे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स दे और उस पॉइज़न को इनएक्टिवेट कर दे आपकी बॉडी के अंदर। तो ये क्या कहलाती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी, जहां आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया होता है। पैसिव इम्यूनिटी का काम कहां आता है, पैसिव इम्यूनिटी का काम इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के दौरान आता है। तो फिर एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, उनको जाकर ट्रिगर कर रहे हैं कि आप एंटीबॉडीज़ बनाइए। आप एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंटीबॉडी को ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने डायरेक्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं डाली, क्योंकि आपके ब्लड में अगर आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ डाली हैं, जैसे कि स्नेक बाइट के दौरान आपने डाली थी, तो वो एंटीबॉडीज़ उस समय तो अपना काम कर देंगी, लेकिन उसके बाद में वो एंटीबॉडीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपकी बॉडी में नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं आपकी बॉडी से। तो फिर क्या होता है, क्योंकि आपके सिस्टम ने तो वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई थी, तो आपका सिस्टम फिर से उस पर्टिकुलर पॉइजन के लिए या पैथोजन के लिए क्या हो जाता है, नॉन इम्यून हो जाता है। तो अगली बार अगर स्नेक बाइट करेगा ना, तो आपको फिर से एंटीबॉडीज़ डालनी पड़ेंगी, आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। एक्टिव इम्यूनिटी में आपने क्या किया, बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट किया, ट्रिगर किया कि आप एंटीबॉडीज़ बनाइए। तो बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज़ बनाते वक्त क्या किया, उन्होंने उसकी मेमोरी भी रखी, मेमोरी सेल्स के फॉर्म में, कि जैसे ये एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी ब्लड से, वो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होकर फिर से एंटीबॉडीज़ बना देंगी, फिर से मेमोरी सेल्स जनरेट करेंगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो इससे आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए या उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के लिए एक बहुत लंबे समय की इम्यूनिटी बन जाएगी। तो जब आपने इतनी सारी डिसीज़ेस के बारे में स्टडी कर लिया, आपको पता चल गया कि ह्यूमंस को ये डिसीज़ हो सकती हैं, पोलियो हो सकता है, कैटल्स को एंथ्रेक्स हो सकता है, आपको ये सब पता चल चुका है, तो अब आप उनके अगेंस्ट ऐसी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और माइंड कीजिए, मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ कि आप बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस डालते हैं, तो वो ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस हैं क्या? वो ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस असल में वैक्सीन्स हैं। यहाँ से मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो वैक्सीन्स क्या सब्सटेंसेस होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, आपके ब्लड में प्रेजेंट बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। और उनको एक्टिवेट क्यों करते हैं? कि वो इम्यूनोग्लोबुलिंस या एंटीबॉडीज़ को बनाएं और उसकी मेमोरी भी अपने साथ रखें, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट हमको मिल जाए। अब वैक्सीन्स के 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक क्लासिफिकेशन कहता है कि वैक्सीन्स, मतलब क्लासिफिकेशन तो एक ही है, उसके 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है किल्ड वैक्सीन्स या जिनको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। तो किल्ड वैक्सीन्स या जिनको आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि आपने क्या किया, कैसे बनती हैं वो, उससे को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लेबोरेटरी है आपके पास में, वहाँ आपने उस पर्टिकुलर डिसीज़ को करने वाला जो भी पैथोजन है, XYZ बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, आपने वो बैक्टीरिया या वायरस अपनी लेबोरेटरी में एक कल्चर में ग्रो कर लिया, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड किया और उसका बहुत सारा कल्चर आपने बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें ऐसे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, कुछ भी करके उस पूरे कल्चर के सारे पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस जो भी थे, उनको आपने किल कर दिया। ठीक है, अब आपने इनको किल कर दिया, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कर दी और इनको फाइनल शेप दे दिया वैक्सीन के फॉर्म में, और फिर आपने वैक्सीन्स को इंजेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो आपका पैथोजन था वो तो मर चुका था, लेकिन आपने पैथोजन इतना ग्रो किया है, आपने अंदर डाला है, मर चुका है, लेकिन उसके ऊपर जो एंटीजन है जो अल्टीमेटली आपके एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, वो तो नष्ट नहीं हुआ था। तो क्या होगा कि वो जो किल्ड बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी है, वो जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, एंटीबॉडीज़ का इंटरेक्शन उसके एंटीजन से होगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, सॉरी बी लिम्फोसाइट से होगा, एंटीबॉडीज़ से नहीं, बी लिम्फोसाइट से होगा। वो उस एंटीजन के साथ में इंट्रैक्ट करेंगी, वो ट्रिगर्ड हो जाएंगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, उसकी मेमोरी जो है उसको सेव कर लेंगी अपने सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से ये जो ब्रीफ था, ये मैंने आपको दिया किसके बारे में, किल्ड वैक्सीन्स या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के बारे में, कि इसमें आपने किल्ड पैथोजन यूज़ किया है लेकिन उस पैथोजन का एंटीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और इसीलिए ये वैक्सीन्स उसके पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में सक्सेसफुल हो पाएँ। अब भविष्य में कभी भी वो पर्सन जिसको ये किल्ड वैक्सीन मिल चुकी है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मिल चुकी है, जब उसका एक्सीडेंटली जा रहा है कहीं पैथोजन किसी तरीके से उसके फूड में, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कैसे भी उसकी बॉडी में एंटर कर गए, तो उससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब उसकी बॉडी की बी लिम्फोसाइट्स को उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना आ चुका है। तो दिस वाज द केस ऑफ किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। दूसरा केस होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स का। एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में आप क्या करते हो, उस बैक्टीरिया, वायरस जो भी पैथोजन है उसको मारते नहीं हो, उसको सिर्फ आप उसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देते हो। उसकी एक्टिविटी को कम करने का मतलब होता है कि उसको आपने उसकी सिर्फ वायरुलेंस ख़त्म कर दी है, जिस वजह से वो आपकी बॉडी में डिसीज़ कर पा रहा था, वो फैक्टर आपने ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद में आपने वो लाइव बैक्टीरिया या लाइव वायरस या लाइव पैथोजन आपने उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया है, और वो कहलाता है फिर आपकी एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। तो जब किल्ड से काम हो सकता था तो फिर लाइव क्यों यूज़ किया? क्योंकि लाइव ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो बैक्टीरिया मरा नहीं होता है, वो वायरस मरा नहीं है अभी आपकी जो आपने इंजेक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट एक्टिवेशन और अच्छे तरीके से होता है, ये बेटर और एफिशिएंट तरीका होता है। पर ये जनरल व्यू आप नहीं लेके चल सकते कि नहीं, एटीन्यूएटेड ही इफ़ेक्टिव रहता है। कुछ डिसीज़ेज़ में एटीन्यूएटेड देना आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, तो वहाँ पे आपको किल्ड वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ जगह पर एटीन्यूएटेड होता है, वो डिपेंड करता है डिसीज़ टू डिसीज़। प्रोसीजर पूरा वही रहता है, जैसे आपने किल्ड वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करेगा, वैसे ही एटीन्यूएटेड का भी रहता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ किल्ड था और यहाँ पे लाइव, बट हुज वायरुलेंस इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो वाला आपने पैथोजन यूज़ किया है। अब कैसे बनता है और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या क्लासिकल वे ऑफ फॉर्मिंग वैक्सीन्स जो है, और जो करेंट सिनेरियो में वैक्सीन्स का इफ़ेक्ट है, वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।